चोकोलावा ब्रेड को बनाने के लिए हम 4 ब्रेड और एक 10 रुपये का डेरी मिल्क का चॉकलेट लेते हैं। सबसे पहले हम ब्रेड के चारों तरफ के किनारों को काट कर हटा देते हैं। ऐसा हम चारों ब्रेड का किनारा हटा देंगे और डेरी मिल्क के चॉकलेट को भी हम 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। अब हम एक ब्रेड लेते हैं और ब्रेड के बीच में चॉकलेट का एक टुकड़ा रखते हैं और एक मोटे मुँह वाले मासून जार या बॉटल लेते हैं, जिससे कि हम ब्रेड को गुजिया शेप में काट लेंगे। यह मोटा है इसीलिए इसमें कुछ भी पानी वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं, यह आपस में चिपका हुआ ही निकलता है। तो ऐसा हम चारों ब्रेड का गुजिया शेप में चॉकलेट स्टफ किया हुआ ब्रेड निकाल लेते हैं। अब हम एक फ्राइंग पैन लेते हैं और इसमें थोड़ा सा बटर लगा देते हैं और चारों ब्रेड को हम इसमें डाल देते हैं और इसको पलट पलट कर सेक लेते हैं लाइट गोल्डन ब्राउन कलर के होने तक, और हमारा चोकोलावा ब्रेड बिल्कुल तैयार है। आप इसे ज़रूर बनाएं और अपने अनुभव मेरे साथ कमेंट्स बॉक्स में शेयर करें।